मैं इसी पे आ रहा हूं। और प्रोफेसर रविकांत कल आना था लेकिन वो कुछ टेक्निकल समस्याएं आ गई, वो जुड़ नहीं पाए हम लोग। और इस पे मेरा और प्रोफेसर रविकांत का इसके अलग से भी विमर्श होता रहता है, हम लोग कई बार इस पे बात करते हैं। और ये एक एक सब समाज में, क्योंकि अगर अगर आपको ये था, मैं जिस धारा से आता हूं समाजवादी आंदोलन की, उस धारा में जो हमारे नेता राजनारायण जी थे वो दलितों को लेके मंदिर में घुस गए थे, चलो जो होगा इस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी को मना नहीं करता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे और चलो देखा जाएगा। तो मैं उस विचारधारा से आता हूं। मैं प्रोफेसर रविकांत से इसलिए ये पूछ रहा हूं कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, ये बहुत पर्सनल बातें हैं। मैं वहां जाके सजदा करूंगा, शीश झुकाऊंगा, घंटी बजाऊंगा, कैसे बजाऊंगा, मैं परिक्रमा दाहिने करूंगा, बाएं करूंगा, नहीं करूंगा, ये अलग बात है। लेकिन जो बीजेपी अभी कर रही है, और खास करके जो मोहन भागवत जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और खास करके वो जो बार बार जो मनुवादी जो एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर की सुप्रीमेसी को कहीं ना कहीं इंश्योर करना चाह रहे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा प्रोफेसर रविकांत आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि ये, क्योंकि बहस बड़ी है, दलितों को क्या नहीं लग रहा है कि उनको ठगा जा रहा है, दलितों को क्या नहीं लग रहा है कि अगर अगर रामचरितमानस में इस तरह की कोई बात लिखी है जो जो किसी को आहत करती है तो एक्सेप्ट करिए। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप इसको जला दीजिए, वो कर दे। अरे भाई, उसमें लिखा है, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि इस तरह की बात है, और जो लिखा हुआ है। मैं प्रोफेसर रविकांत एक लार्जर उसमें कर रहा हूं कि ये जो अपने को टॉर्च बेरर ऑफ ऑफ दलित वो करते हैं बीजेपी, वो वास्तव में क्या है, वो आरएसएस की विचारधारा इत्यादि। देखिए, इसकी वही विचारधारा है जिसको वो बीडी सावरकर के यहां से लेकर के हिंदुत्व कहते हैं। हालांकि सावरकर ने जिस बात को कहा कि उनके हिंदुत्व में वो ईसाई नहीं आते, उसमें मुसलमान नहीं आते और कम्युनिस्ट नहीं आते, वो एक ब्रॉडर हिंदू समाज की, हिंदू एकता की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है जिसमें भेदभाव, अन्याय, शोषण, अत्याचार, यहां तक स्थितियां हैं और ये सदियों से चली आ रही। आश्चर्य इस बात का कि आजादी के 75वें साल में भी ये अपने विद्रूप और बहुत भयावह रूप में आज भी जारी है। हाँ, ये जरूर है कि अब कमी हुई है पिछले 75 साल में, लेकिन उसके तमाम विभत्स रूप आज भी दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो हाथरस हो, प्रतापगढ़ हो, या उत्तर प्रदेश का महोबा हो, या गुजरात का ऊना हो, या महाराष्ट्र में कई जगह है, पूना से लेकर के तमाम जगहों पर, वहां पर जो स्थितियां हैं। और आपने क्या अभी तक मोहन भागवत के जवान से या नरेंद्र मोदी के जवान से कभी इस पर कोई कड़ी कार्रवाई के लिए संदेश देते हुए सुना है? मोदी जी ने इसी लखनऊ में जहां मैं बैठा हूं, वहां अंबेडकर यूनिवर्सिटी में वो आए थे और उन्होंने कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। अब एक प्रधानमंत्री, या तो मैं उसकी बेबसी को समझूं कि उसके हाथ में लैंड ऑर्डर नहीं है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ बैठा हुआ है कुर्सी पर, या मैं वो बहुत चालाकी भरा स्टेटमेंट समझूं कि ये तो जारी रहेगा, बस कभी कभी उसको थोड़ा संतुष्ट करने के लिए बोल भर देना है और ये चीजें जारी रहने चाहिए। क्योंकि पिछले 75 साल में ये भी हुआ है कि दलितों का एक मिडिल क्लास उभर करके आया है जो लगातार बहुत चेतना संपन्न रहते हुए बोल रहा है और इस हिंदुत्व का पूरा ऑपरेशन भी कर रहा है, लगातार उन चीजों को भी बता रहा है कि इस हिंदुत्व के मायने क्या हैं दलितों के लिए। और जो सुपरमैसी का सवाल है मोहन भागवत जी के यहाँ, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अगर मुसलमानों के भीतर ये नहीं होना चाहिए कि वो कभी श्रेष्ठ थे, तो हिंदुओं के भीतर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो क्या संघ के लिए कभी करेंगे कि उसमें एक रज्जू भैया को छोड़ करके जो क्षत्रिय थे, कभी कोई दूसरा सरसंघ चालक गैर ब्राह्मण नहीं हुआ? और उसमें जहां से मोहन भागवत जी हैं वहां से ज्यादा हुए हैं, माने चित्पावन ब्राह्मण ज्यादा हुए। तो सुपरमेसी जो उनकी है वो बहुत ज्यादा केंद्रित है। दूसरी तरफ जो ये परिस्थितियां हैं जिसमें आपने जो पॉलिटिकल सवाल उठाया, और कोई ये आज का सवाल नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था अपना दलित, और बहुत बाजे गाजे के साथ बनाया, और उनको कैसे दुत्कारा गया, कैसे बाहर किया गया, 1 लाख रुपए की रिश्वत का इल्जाम उनके ऊपर हुआ और उनको हटा दिया गया। लेकिन यहाँ एक लंबी फेरिस्त होगी, अगर कायदे से जांच हो जाए तो कितने लोग कितने करप्शन में हैं, और इसी बना पर अगर पार्टी से बाहर करना हो तो फिर यहाँ बचेंगे कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में। और अभी तक शायद 6, 7 या 8 मुख्यमंत्री हुए हैं दलित, उसमें से 5 कांग्रेस ने बनाए हैं, एक मायावती हुई और एक बिहार में कोई अलग से हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी नीति निर्धारण करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चुना जो दलित हो। ये उनका दरअसल डीएनए है, मैं इसको कुछ अलग से नहीं देखता हूं, मैं मानता हूं कि यही उनकी बुनियाद है और इसी के लिए वो बैठे हुए हैं। हिंदुत्व का मतलब है कि जो सवर्ण वर्चस्व है उसको पुनर्स्थापित किया जाए और जो दलित पिछड़ा है उसको फिर से पृष्ठभूमि में रखेल दिया जाए, और जो अल्पसंख्यक वगैरह है उसको तो आप उस स्थिति में पहुंचा दें कि जहां कभी अछूत हुआ करता था। तो ये पूरी आइडियोलॉजी काम कर रही है कि जो मुस्लिम है, जो ईसाई है, उसको तो आप द्वयम दर्जे का नागरिक बना दें, और दलित पिछड़े और आदिवासी को आप केवल सेवा के लिए नियुक्त कर दें, इसके अलावा और उनको कुछ नहीं मिलेगा। नौकरियां कितनी मिली, रिजर्वेशन खत्म हो गया साहब, रिजर्वेशन केवल कहने भर के लिए बचा है। आपने जो तमाम सचिव बना लिए वो लेटरल एंट्री के जरिए, उसमें क्या हुआ, लगातार एनएफएस हो रहा है, ये भी हमारे सामने। पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप आईआईएम चले जाइए, आप एम्स चले जाइए, बड़े बड़े संस्थानों में रिसर्च में अब कोई रिजर्वेशन ठीक से नहीं लागू है। और जहां नीतियां बन रही है, जो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है वहां पे कौन लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग उसमें नीति निर्धारक हैं। सच्चाई ये है कि पुनः दलित पिछड़ों आदिवासियों को पीछे धकेला जा रहा है, और उसे मुझे लगता है कि वही जो प्रोसेस सदियों पहले वाला है कि इसको तो गुलाम बना दिया जाए, ये केवल सेवा करेगा और हमारा कचरा साफ करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अल्पसंख्यक को आप द्वयम दर्जे का बना दीजिए, यही हिंदुत्व है। हाँ सर, धन्यवाद। हाँ, मैं जरा एक बीच में थोड़ा एक ध्यान, एक हमारे सुनील यादव जी हैं, उन्होंने करीब 200-300 बार एक लिख दिया, इस पृथ्वी पर जितना जगन अनन अत्याचार मनुवादियों ने किया किसी ने भी नहीं किया, हिंदू ओबीसी ऐसी। आप जब ये 200-300 बार इसमें कर रहे हैं तो इसको ट्रोलिंग कहते हैं। आप अगर 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 इस ट्रोलिंग से आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो मैं आग्रह करूंगा आप और करिए, और अगर हम लोग भी इसको कहीं लिखने से आपको कुछ पैसा मिले, क्योंकि हम लोग किसी को आज की स्थिति जो देश की हो गई है रोजगार दे नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इससे आपका कुछ कुछ फायदा हो रहा है जरूर करिए। लेकिन अगर आप इस चर्चा को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो आप ये करके इस सबका नुकसान कर रहे हैं, आप मेरा ध्यान भटकाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं एज अ पॉलिसी हम लोग जब तक कोई गाली गलौज ना करे उसको ब्लॉक नहीं करते हैं। हम ये कभी कभी आता है 4-6-10 महीने में कोई इस तरह का व्यक्ति आ जाता है, जनरली ऐसा होता है कि किसी को इन इन कामों के किसी को पैसे मिलते हैं। मुझसे एक साहब पूछ रहे हैं कि आप जब ये सब करते हैं तो क्या आपकी ट्रोलिंग होती है? हाँ, ट्रोलिंग होती है, ट्रोलिंग होती है, आपके आपके घर परिवार को भी गाली दी जाती है, लेकिन इससे ये भी पता लगता है कि उनका स्तर क्या है। तो मेरा आग्रह सुनील यादव जी ये है कि आप जो लगातार ये काम किए जा रहे हैं, 200 बार एक ही बात को कह रहे हैं, तो उस 200 बार कह के अगर आपका कोई आर्थिक फायदा हो आप बताइए, हम लोग को भी जहां कहना हो वहां कहिए, हम भी आपका 200 नहीं 2000 भाई आपका फायदा होगा, हम सब लोग हैं, जिस उम्र में आपका कुछ फायदा हो जाएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, किसी का तो मैं किसी का वो, लेकिन बाकी लोग अपना काम करके आए हैं, आप उसमें एक लगातार लगे हुए हैं। खैर, मैं प्रोफेसर रविकांत एक चीज जरा आपसे इसलिए समझ लूं कि एक तो बात जहां से अशोक माथुर साहब ने कही कि फौज की बात कही, फौज की बात बहुत लोग कह रहे हैं, मुझे एक लगता है कि एक एफिडेविट, ये जो नेता लोग होते हैं ना जो एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये अभी अपनी एक क्रिमिनल उसका एफिडेविट देते हैं, अपनी जायदाद का एफिडेविट देते हैं। एक और चीज पूछनी चाहिए, तुम्हारा बेटा बेटी कोई फौज में है? क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि ये सारे के बेटा बेटी विदेश में है, आप इनका ये भी लेना शुरू किया जाए, ये देश को पता होना चाहिए कि जितने नीति निर्धारित हैं आपको बताते हैं कि जाके चढ़ जा बेटा सूली पे, चढ़ जा बेटा सूली पे, अपने बेटे को चढ़ जा बेटा ऑक्सफोर्ड, चले जाओ बेटा हार्वर्ड,
चले जाओ बेटा अमेरिका, ये सारे मतलब मेजोरिटी ऑफ द नेता मैं बोल रहा हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। खैर मैं दो चीजें आपसे प्रोफेसर रविकांत पूछ रहा हूं। एक तो जब प्रधानमंत्री के जो उनका संसदीय क्षेत्र है उसमें अभी दो साल पहले एक व्यक्ति गटर में उतरा रहता है और उस फोटो को एक पुरस्कृत किया जाता है उस फोटोग्राफर को, मैं समझना सिर्फ आपसे ये चाह रहा हूं कि अगर मोदी जी ने वो जो एक व्यक्ति जो सीएनआरसी के समय एक सरदार जी हिंदुस्तान आना चाह रहे थे उनको एयरपोर्ट पे आने नहीं दिया गया था, उनको रोका गया था, मोदी जी ने पहली बार लोगों की जानकारी में पहली बार उनसे लोग कह रहे माफी मांगा, माफी तो क्या क्या मांगे होंगे, उन्होंने कहा भाई ये गलत हुआ था आपके साथ, क्या कहीं आपने सुना कि उस गटर वाले व्यक्ति को कहीं उठा के कुछ ऐसा? क्योंकि आज भी वो काम हो रहा है, आज भी लोग मर रहे हैं। तो पहली चीज इस पे कोई पॉलिसी आपके कहीं कोई पेपर है, कोई पॉलिसी है, कोई इस तरह का समाज है उसको क्या? एक दूसरा मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा क्योंकि मैं थोड़ा ये असंवेदनशील काम है, मुझे ये आपसे नहीं पूछना चाहिए, मुझे अपने समाज पे तरस आता है जब मैं आपसे ये पूछता हूं। अभी जम्मू हमारे अमित शाह साहब गए और ये मैं इसलिए बोलता रहता हूं बार बार कि ये कैसे लोग हैं जो मंत्री की कुर्सी पे बैठ के जहां पे ये माना जाता है कि उनके लिए सब बराबर है, ये जब जम्मू जाते हैं तो भाई वहां पे हत्याएं हुई हैं, हमारे नागरिकों की हत्याएं हुई हैं, दुख की बात है और गुस्से की बात है, लेकिन वो एक जात विशेष के हाथ तो उनका प्रोग्राम होता है कि हम लोग जाके उनसे मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे, जब वहां तक पहुंच नहीं पाते तो उनसे फोन पे बात करते हैं, लेकिन वहां दलित भी कुछ हत्याएं हुई थी वो भी मरे थे, उनसे फोन पे बात नहीं करते, नंबर एक। नंबर दो, आज मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है वो उन बड़ी जात वालों को ज्यादा दिया जाता है, छोटी जात वालों को कम दिया जाता है, इसकी जान की कीमत कम, उसकी जान की कीमत ज्यादा, जब हल्ला मचता है तो 400,000 रुपए और उनको ऐड करके फिर बराबर किया जाता है। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं प्रोफेसर रविकांत कि आप जो जब शिक्षा में पढ़ा रहे हैं तो क्या ये आप अपने समाज में आज भी ये भेदभाव उतना ही है जो आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले था? और इसके लिए मैं अभी भी मानता हूं इसके लिए जिम्मेदार हमारा राजनीतिक नेतृत्व है इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। देखिए सिंह साहब, आज के 10 साल पहले एक संवेदनशीलता दिखती थी या ये लगता था कि उस आदमी को जानकारी नहीं है, इस वजह से ये चीजें हो रही। और जो सामंती मानसिकता थी गांव वगैरह में वो तो थी, लेकिन अब इन 8-10 साल में जो हुआ है वो एक तरह का पुनरुत्थानवाद है, उसमें खुल करके कहा जाने लगा है। पहले एक शर्म और लिहाज होती थी, खुल करके कहा जाने लगा है कि फला फला है तो वो श्रेष्ठ है और ये तो इनका जन्म ही हुआ है नाली में और गटर में उतर करके मरने के, ये खुल के कहा जाने लगा है पिछले दिनों। और एक बड़े व्यक्ति जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्हीं की एक किताब थी कर्मयोगी, अगर मैं थोड़ा नाम गड़बड़ नहीं कर रहा हूं तो संभवतः कर्मयोग पुस्तक जो उन्होंने बाद में वापस ले ली, उसमें नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि जो मल साफ करना है ये आध्यात्मिक सुख देता है। अब मल साफ करना आध्यात्मिक सुख देता है तो भाई जिनको ये लगता है कि सुख देता है तो वो काहे इस सुख से वंचित रह जाते हैं, उनको भी करना चाहिए। खैर वो किताब वापस ली गई उसी चक्कर में, उनको लगा कि ये चीजें इसका मैसेज गलत जा रहा है, लेकिन ये उस मानसिकता को दिखाता है कि वो इन सफाई कर्मियों के बारे में क्या सोचते हैं, वो दलितों के बारे में, अछूतों के बारे में, जो बाबा साहब के पहले जिस शब्द का इस्तेमाल होता था वो अछूतों के बारे में क्या सोचते हैं। और उसी बनारस में जिसका आपने जिक्र किया कि जहां दैनिक जागरण के अखबार में फोटो आई थी, वहीं पर उन्होंने तमाम सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया बैठ करके, लेकिन सवाल ये है कि उनका जीवन कुछ बदला कि नहीं बदला। आज 21वीं शताब्दी में आप हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, विश्व गुरु हो गए हैं, वो बात अलग है कि अभी तक किसी देश ने भारत का चेला बनना स्वीकार नहीं किया है, तो ये विश्व गुरु कैसे हो गया ये मुझे नहीं पता चलता है। लेकिन जो दलितों का जीवन है
उसमें कोई पॉलिसी बना करके उनका सुधार किया जा सकता था। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि मशीनें लाई जा सकती थी, उनके लिए वो तमाम साजो सामान उपलब्ध कराए जा सकते थे कि गटर में अगर मान लीजिए उतरना ही उनकी मजबूरी है तो जीवन तो कम से कम बच सके उनका। अगर आप इस अभिशाप से मुक्त नहीं कर सकते तो जिंदगी तो बचा सकते हैं, वो भी नहीं किया गया। कहीं कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो रहा है और उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जितने गरीब रहेंगे, ये जितने अशिक्षित रहेंगे, उतना ही हमारे भ्रम में ज्यादा आएंगे। और अगर वो दलित तबका जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो खुशी से नहीं कर रहा है, वो अनजाने में कर रहा है, उसको ये लगता है कि नहीं साहब मोदी जी तो भगवान है, और वो तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग प्रचारित करते ही हैं कि वो तो अवतार लेकर के आए हैं सीधा सीधा। अब सबसे ज्यादा ईश्वर नाम से कौन डरता है, जो गरीब है, जो दलित है, अशिक्षित है, वो सबसे ज्यादा डरता है। तो वो तो बैठा है कि वो तो साहब कुछ गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि ईश्वर के अवतार है। तो दलित यूं ही कुचला जाता रहे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके कपड़े तो 3 दिन में 3 बार बदले जाते हैं, 8 करोड़ की गाड़ी में बैठ करके चलते हैं, 2300 करोड़ का उनका वो बनी रहा है, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। उनको भारत का छोड़ दीजिए, गुजरात में क्या किया उन्होंने, जिस गुजरात मॉडल को पेश किया जाता है, सिंह साहब आज भी गुजरात के तकरीबन 200 गांवों में दलितों को मंदिर प्रवेश वर्जित है, आज भी, माने जब गुजरात मॉडल चरम पर है। और वहां पर दलितों की क्या दुर्दशा है, उत्तर भारत में तो खास करके उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, खास करके बीएसपी के रिजीम में, और बीएसपी के रिजीम में जो चीजें हुई यहाँ, अब वो आपको मल साफ करने वाले जो जितनी भी वो होते थे, शौचालय होते थे, वो खत्म हो गए। एक केवल नीति मायावती ने लागू की थी कि जिन घरों में वो शुष्क शौचालय होंगे उन पर FIR और मुकदमा होगा। लोगों ने अपने घर से वो शौचालय तोड़ दिया, वो खत्म हो गया, वो मैला ढोने वाली प्रथा खत्म हो गई उत्तर प्रदेश से, केवल उस एक नीति के कारण। तो ऐसा नहीं है कि नीति नहीं बन सकती, लेकिन क्या वो सरकार, क्या वो बैठे हुए लोग, क्या नीति नियंता इसको चाहते हैं? मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो उनको उसी गटर में, उसी मल में रखना चाहते हैं। सड़क पर कौन झाड़ू लगाएगा, वो उनको इंसान ही नहीं समझते, उनके लिए वो कीड़े मकोड़े हैं। और इसीलिए उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर वजीफे नहीं है आजकल। एक दौर में, बल्कि इस सरकार के पहले, वो चाहे कांग्रेस का रिजीम रहा हो या किसी और पार्टी का रहा हो, उस समय वजीफा सबसे पहले दलितों को मिलता था, आदिवासियों को मिलता था। आज जानते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में बता दूं मैं क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले वजीफा जनरल को मिलता है, फिर SC ST को मिलता है, और बच जाए तो OBC को मिलता है, क्योंकि बजट नहीं है। तो ये एक नहीं, 50 उस तरह की बातें हैं जिनको अगर रखा जाए तो 2-4 घंटे लगेंगे कि दलितों की दुर्दशा क्या है, उनके मोरल को सरेआम तोड़ा जाता है। अब गांवों से लेकर के शहरों तक, अब तो शहरों में ये चीजें हैं, पहले ये माना जाता था कि शहर के लोग पढ़े लिखे हैं तो वो इस तरह की बात नहीं बोलते हैं, अब तो खुलेआम शहरों में ये बोला जा रहा है। आप तो समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उसी समाजवादी आंदोलन में जनेऊ काट करके फेंके गए, ढेरों लगते थे, लेकिन अभी जनेऊ संस्कार किस स्थिति में पहुंच गया है, वो फैशन ही नहीं हो गया, पूरा संघ का कार्यक्रम है वो। और ये जनेऊ संस्कार क्या है, उसी श्रेष्ठता के बोध को पैदा करने के लिए, उसी पूरी द्वज वाली व्यवस्था को लागू करने के लिए सारी चीजें हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो हिंदुत्व है वो सवर्ण वर्चस्व का पुनरुत्थान है, इसके अलावा उस हिंदुत्व की और कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती।